तो कोई अपनी हैवानियत और अपनी भूख के चलते किस हद तक जा सकता है। आज हम ऐसे एक दरिंदे आदमी के बारे में बात करेंगे जो ना कि एक सीरियल किलर था बल्कि वो एक रेपिस्ट, चाइल्ड मोलेस्टर और कैनिबल भी था, जिसकी सच्ची कहानी सुनकर किसी की रूह कांप जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एल्बर्ट फिश की, जिसका जन्म वाशिंगटन में मई 1817 को हुआ था। एल्बर्ट फिश का असली नाम हैमिल्टन हॉवर्ड फिश था, लेकिन उसकी हैवानियत की वजह से एल्बर्ट को द ग्रेमैन, वेयरवुल्फ ऑफ हिस्टेरिया, ब्रुकलिन वैम्पायर, मून मैनिक और द बुगीमैन नाम दिया गया था। एल्बर्ट के पिता उसकी माँ से उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, मतलब कि वो अपनी वाइफ से 43 ईयर बड़ा था, और अपने तीन भाई बहनों में से एल्बर्ट सबसे बड़ा भाई था। एल्बर्ट की पूरी फैमिली ही मेंटली बीमार थी, जिस कारण से एल्बर्ट को भी मानसिक बीमारी जेनेटिकली हो गई थी। एल्बर्ट के अंकल मैनिक थे और एल्बर्ट का एक भाई मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट था, और एल्बर्ट की सिस्टर को तो मेंटल एफ्लिक्शन था, और एल्बर्ट की माँ को भी हेलुसिनेशन आया करते थे। अब फिर कुछ सालों के बाद में अपने हैमिल्टन हॉवर्ड नाम को बदलकर उसने एल्बर्ट रख लिया, और एल्बर्ट नाम उसके एक मरे हुए भाई का ही था। अब 1875 को एल्बर्ट के फादर की मौत के बाद उसकी माँ इस मेंटल हालत में अपने बेटे एल्बर्ट को संभाल नहीं पा रही थी, तो एल्बर्ट की माँ ने एल्बर्ट को एक ऑफनेज में ही छोड़ दिया था, और उस ऑफनेज में बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव किया जाता था। बच्चों को टीचर्स और सीनियर मारा पीटा करते थे और वे उन्हें एब्यूज भी करते थे, जिस वजह से एल्बर्ट की मानसिक हालत और भी ज़्यादा बिगड़ गई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी मारपीट और दर्द देने में एल्बर्ट को अब मजा आने लगा था। 1880 में एल्बर्ट की माँ को गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी और वो अपने बेटे एल्बर्ट को ऑफनेज से वापस अपने घर ले आई थी। तो अब घर आने के बाद में ईयर 1882 में 12 साल की उम्र में एल्बर्ट ने एक टीनेज लड़के से सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए, और उसने उसके साथ में मिलकर यूरिन को पीना, इंसान की गंदगी खाना और वैसा काम करना चालू कर दिए थे, और साथ ही वो पब्लिक स्विमिंग पूल में जाकर वहाँ के नेकेड लड़कों को छुप छुप कर देखा करता था। यहाँ तक कि जिन औरतों का एड्रेस न्यूज़पेपर या मैगजीन में आया करता था, उन एड्रेस पर एल्बर्ट सेक्सुअल बातों को लिखकर भेजा करता था। अब बात आती है 1819 की, जब एल्बर्ट की उम्र 20 साल हो गई थी और एल्बर्ट न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया था। फिर एक दिन वहाँ पर उसने 14 साल के एक टीनेज लड़के से दोस्ती कर ली, और उसने उस लड़के का रेप भी किया, और उसने उसे एब्यूज करके उसे बुरी तरीके से मोलेस्ट किया। 1898 को एल्बर्ट की माँ ने उसकी शादी एना मेरी से करवा दी, जो कि एल्बर्ट से 9 साल छोटी थी, और एल्बर्ट और एना के एक दो नहीं बल्कि 6 बच्चे हुए। अब इसी दौरान 1910 आते आते विलमिंगटन में एल्बर्ट अपने एक बॉयफ्रेंड थॉमस को एक फार्म हाउस में लेकर गया, और वहाँ पर दोनों ने सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया, मतलब कि एल्बर्ट एक गे था। और फिर एल्बर्ट ने थॉमस को 2 हफ्तों तक वहाँ पर बांध कर रखा, और उसको उसने बुरी तरीके से टॉर्चर भी किया। लेकिन इतना ही नहीं, उसने थॉमस का आधा प्राइवेट पार्ट भी काट दिया था, और पकड़े जाने के डर से एल्बर्ट ने थॉमस को जान से नहीं मारा। थॉमस जब भी दर्द में चिल्लाता था तो एल्बर्ट को और ज़्यादा मजा आया करता था, और तब एल्बर्ट थॉमस को और बुरी तरीके से मार पीटा करता था। तो अब घर वापस आने से पहले एल्बर्ट ने $10 थॉमस के पास रखे, और उसको वो किस करके पहली ट्रेन से घर वापस आ गया। और थॉमस का इसके बाद में क्या हुआ, ये आज तक किसी को भी नहीं पता है। फिर 1917 में एल्बर्ट के पागलपन की वजह से एना ने एल्बर्ट को छोड़ दिया, और उसने जॉन स्टोब नाम के एक आदमी से शादी कर ली, और वो अकेले ही एल्बर्ट के 6 बच्चों को संभालने लगी। फिर वाइफ को छोड़ देने के बाद में एल्बर्ट अब अकेला पड़ गया था, और अकेलेपन में उसका पागलपन और भी ज़्यादा बढ़ता गया। एल्बर्ट की लगी हुई बेल्ट से खुद को मार करता था, और खुद को दूसरी चीज़ों से चोट पहुँचाता था। एल्बर्ट को खुद को दर्द देखकर बहुत मजा आता था। 1919 में जॉर्ज टाउन में एल्बर्ट ने एक डिजेबल लड़के को बुरी तरीके से मॉलिस्ट करके उसे टॉर्चर किया, और उसने उसे मार डाला। 1924 में स्टेटन आइलैंड में एल्बर्ट ने फ्रांसिस नाम के एक 9 साल के बच्चे को किडनैप किया, और जंगल में ले जाकर फ्रांसिस को उसने सेक्सुअल अब्यूज करा और टॉर्चर करके उसका गला घोटकर उसे भी मार डाला। लेकिन इतना ही नहीं, उसने उसका पेट और एक पैर को काट दिया, और फिर उसे एक पेड़ पर लटका दिया। फिर कुछ दिनों के बाद में पुलिस को फ्रांसिस की लाश मिली, और फ्रांसिस के लेफ्ट पैर का पूरा मांस गायब था। अब फिर 11 फरवरी 1927 में ब्रुकलिन में 3 साल के बच्चे बिली को एल्बर्ट ने किडनैप करके एक सुनसान घर में ले गया। बिली अपनी माँ के पास जाने की जिद कर रहा था। एल्बर्ट ने बिली को पहले तो नेकेट किया, फिर उसके हाथ पर बांधे, और वह बिली के कपड़े और जूतों को जला दिया, और उसने एक कील लगी हुई बेल्ट को बिली के पैरों में बांध दिया। बिली के पैरों से खून निकल रहा था, और फिर एल्बर्ट ने बिली के कान और नाक को काट दिए। बिल्ली की आंखें भी उसने निकाल ली, और बिल्ली दर्द से चिल्ला रहा था। वो छोटे बच्चे का दर्द देखकर एल्बर्ट को अब मजा आ रहा था। और फिर इसके कुछ ही देर के बाद में बहुत ही भयानक तरीके से बिल्ली की मौत हो गई। एल्बर्ट ने एक चाकू से बिल्ली का पेट काटा, और उसका उसने खून भी पिया।
फिर बिली के कुछ मांस को एल्बर्ट ने ओवन में रोस्ट किया और उसने बिली के कानों का सूप भी बनाया। बिल्ली के फेस और पेट के मांस को उसने अनियन, कैरेट और नमक और पेपर के साथ में मिलाकर उसकी डिश बनाई और उसने उस डिश को खा लिया। और उसने बिल्ली के बाकी की बॉडी को रोस्ट करके उसकी ग्रेवी बनाकर उसने 4 दिनों तक उसे खाई। बिल्ली की डेड बॉडी आज तक नहीं मिली थी, और मिलती भी कैसे, क्योंकि एल्बर्ट उसे खा गया था। और तो और, बिल्ली ने एल्बर्ट को कैसे खाया था उसने उसकी पूरी रेसिपी लिख कर रखी हुई थी, और एल्बर्ट के मुताबिक बिल्ली का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्वीट था। फिर 6 फरवरी 1930 को वाटरलू में एल्बर्ट ने एस्टेरा विल्कॉक्स से शादी कर ली, लेकिन शादी के 1 हफ्ते के बाद ही दोनों का डिवोर्स हो गया। फिर 1930 में एल्बर्ट ने न्यूज़ में मेड का एडवर्टाइजमेंट देने वाली एक औरत को सेक्सुअल बातें लिखकर उसने लेटर भेजा, जिस वजह से 1931 में एल्बर्ट को अरेस्ट कर लिया गया और उसे बेलवे मेंटल हॉस्पिटल में भेजा गया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में उसे वहाँ से छोड़ भी दिया गया था। अब साल आया 1928 का, जहाँ पर एल्बर्ट को न्यूज़पेपर से बट फैमिली का एड्रेस मिला, जिसका बेटा एडवर्ड जॉब ढूंढ रहा था। एल्बर्ट बट की फैमिली के घर पर एक किसान बनकर गया था और उसने अपना नाम उन्हें फ्रैंक बताया था। एल्बर्ट ने बट फैमिली से दोस्ती की और सभी को एल्बर्ट एक अच्छा इंसान लगा था। फिर एल्बर्ट की नज़र उनकी बेटी ग्रेस पर गई और एल्बर्ट ग्रेस को शिकार करने का प्लान बनाने लगा। फिर एल्बर्ट ने बट फैमिली के सामने एक कहानी बनाई कि वो यहाँ पर अपनी भतीजे की बर्थडे पार्टी पर आया है और उसकी भतीजी ग्रेस की उम्र की ही है, तो एल्बर्ट उन दोनों की दोस्ती करवाने के लिए ग्रेस को पार्टी में ले जाने की बात करता है और ग्रेस की फैमिली भी इस बात को मान जाती है। एल्बर्ट ग्रेस को एक अपैंडेंट घर में ले जाता है और वहाँ पर ग्रेस को वो टॉर्चर करके उसका मर्डर करता है और उसे मार डालता है और वो ग्रेस का मांस भी खा जाता है। अब नवंबर 1934 को ग्रेस के पेरेंट को एक लेटर मिलता है, जहाँ पर ग्रेस के साथ क्या क्या हुआ था वो सब लिखा हुआ था, और उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि वो ग्रेस को एक अपैंडेंट घर में ले गया और उसने वहाँ पर ग्रेस को बाहर ही रुकने को कहा। ग्रेस बाहर फ्लावर को देख रही थी और एल्बर्ट अंदर जाकर नेकेड हो गया और फिर उसने ग्रेस को अंदर बुलाया। ग्रेस जैसे ही अंदर गई तो उसने एल्बर्ट को देखा और वो एल्बर्ट को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और वो रोने भी लगी थी। फिर एल्बर्ट ने ग्रेस को पकड़कर उसे भी नेकेड किया और उसने उसका गला घोटकर उसे मार डाला। एल्बर्ट ने ग्रेस को मारने के बाद में उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और उसे ओवन में रोस्ट किया, और अगले 9 दिनों तक एल्बर्ट ग्रेस का मांस खाता रहा। उस लेटर में एल्बर्ट ने यह भी लिखा था कि ग्रेस का मीट बहुत ही स्वीट था और उसको ये अफसोस भी है कि वो ग्रेस का रेप करना भूल गया था, जिससे कि ग्रेस वर्जिनी मारी गई। किसी माँ बाप को अगर अपने बच्चे की मौत का ऐसा लेटर मिले तो उस माँ बाप की क्या हालत होगी, कोई सोच भी नहीं सकता है। पुलिस ने उस लेटर की छानबीन शुरू कर दी और 13 दिसंबर 1934 को पुलिस ने एल्बर्ट को अरेस्ट कर लिया। एल्बर्ट ने अपने किसी भी मर्डर की बात नहीं छुपाई, उसने पूरे डिटेल के साथ में सभी मर्डर के बारे में सच सच बताया। एल्बर्ट का जब मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो एक्सरे रिपोर्ट में एल्बर्ट के सर में 29 सुई घुसी हुई मिली, और ऐसा इसीलिए हुआ कि जब एल्बर्ट खुद को टॉर्चर करता था तो उसी टाइम ये नीडल उसके सर के अंदर घुस गई थी। 11 मार्च 1935 से एल्बर्ट का केस कोर्ट में गया और एल्बर्ट के मुताबिक उसने हर एक स्टेट में एक मर्डर किया और उस विक्टिम का मांस खा गया। एल्बर्ट ने करीब 100 से ज्यादा लोगों के मर्डर किए थे। एल्बर्ट हमेशा से ही मेंटली डिसेबल, कमजोर अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों और गरीब बच्चों को अपनी बातों में फंसा कर उनके साथ में ये घिनौना काम किया करता था। एल्बर्ट हमेशा से ही ये सोचता था कि उसे भगवान ने भेजा है कि वो धरती पर जाए और इन बेकार बच्चों को मार डाले, और इसी के चलते कोर्ट में एल्बर्ट ने कभी भी ये नहीं माना कि उसकी कोई भी गलती है। एल्बर्ट के केस को स्टडी कर रहे एक जज ने एल्बर्ट को इलेक्ट्रोक्यूशन की सजा सुनाई दी, मतलब कि एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर एल्बर्ट को मौत की सजा दी जाने वाली थी। फिर 16 जनवरी 1936 को 11:06 पर एल्बर्ट को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया गया और एल्बर्ट ने कहा कि उसने कभी भी इलेक्ट्रिक का पेन महसूस नहीं किया है। वो दुखी नहीं बल्कि खुश है कि उसको इस तरीके की सजा मिल रही है, क्योंकि उसे इस टॉर्चर में अब मजा आने वाला था। लेकिन सिर्फ 3 मिनट के अंदर ही इलेक्ट्रोकशन से 65 साल के एल्बर्ट की मौत हो गई, और मरने के पहले भी एल्बर्ट यही कह गया था कि उसको छोटे बच्चे खाना बहुत ही पसंद है, क्योंकि छोटे बच्चों का मीट कुछ ज़्यादा ही स्वीट और टेस्टी होता है। अपने हर एक मर्डर के बाद में उस विक्टिम का मीट एल्बर्ट कैसे पकाया करता था, उसकी एल्बर्ट के पास एक पूरी की पूरी रेसिपी बुक थी। अपने काम की वजह से एल्बर्ट हमेशा ही अलग अलग जगह पर रहा करता था, तो इसीलिए वो इतने सालों तक पकड़ा नहीं गया, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि एल्बर्ट जैसा आदमी ऐसा घिनौना काम कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी एल्बर्ट फिश की कहानी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको ऐसे ही थ्रिलिंग और हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं जल्दी ही आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आने वाला हूँ।
तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।